कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में श्याम फाउंडेशन द्वारा नगर पालिका रामगंज मंडी चेयरमैन सौरभ शर्मा और नगर पालिका अधिकारी पंकज मंगल को रास्ते में जा रहे मजदूर परिवारों के लिए 2000 बिस्किट के पैकेट और 1000 पानी की बोतलें दी गई। भोजन वितरण और दूध की व्यवस्था श्याम फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। ये जो बिस्किट्स हैं और पानी हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो कि एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, और उनको हम लोग हमारे पास जब गुजरते हैं यहाँ से, अब तक हमने ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 700-800 लेबर्स को, लेबर जो यहाँ से निकल रही है अलग अलग जगहों से आके रामगंज मंडी क्षेत्र से निकलती है, उनको 600-700 लेबर्स को भोजन कराया। जब उन्हें भोजन कराते हैं तो एक एक पैकेट एक्स्ट्रा भी देते हैं, क्योंकि उनको आगे भी 100-200-500 किलोमीटर आगे जाना होता है, और एक एक पैकेट एक्स्ट्रा देने के बाद भी हमारा दिल दुखता है। क्यों? उनको पीछे वो दो दिन के भूखे होते हैं, पानी पता नहीं कैसे पिया होता है, तब जाके उन्हें रामगंज मंडी बांधदाताओं भामाशाहों के सहयोग से उनको अन्न नसीब होता है। आगे भी उनको 200-300 किलोमीटर जाना होता है और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। हम उनको खाना भी देते हैं तो भी कोई काम का नहीं है कि 8-10 घंटे बाद वो खाना किसी काम का नहीं रहेगा। तो उनके बच्चों को उन्हें बहलाना पड़ता है, उन्हें बोलना पड़ता है बेटा बस थोड़ी देर और, बेटा बस थोड़ी देर और, पानी पिला पिला के सुला देते हैं। पानी भी उन्हें बहुत मुश्किल से नसीब हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमने प्रयास किया कि हमें बिस्किट्स, चिवड़ा, पानी हमें दानदाताओं से मिल पाए, तो श्याम फाउंडेशन ने आगे आके बिस्किट्स हमें उपलब्ध कराए हैं और पानी हमें उपलब्ध कराए हैं। ये बिस्किट्स और पानी हम लोग अभी जो बॉर्डर पे जो लोग लगे हुए हैं अपने रामगंज मंडी के बॉर्डर पर, जैसे कि आपकी पुलिस प्रशासन है, उपखंड प्रशासन है, उन लोगों की सभी गाड़ियों में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो भी गाड़ी के पास से वो लेबर गुजरेगी तो खाना तो नगर पालिका आप लोगों के सहयोग से खिलाएगी खिलाएगी, खाने के अलावा उन लोगों को हम लोग सूखा बिस्किट जो आराम से वो दो दिन खा लें, कुछ तो उनके बच्चों को नसीब हो, पानी की बोतलें हैं वो पी लें, ताकि उनको कुछ तो मिले, खाना नहीं भी मिले तो एटलीस्ट वो भूखे नहीं हों, उनके बच्चों को उन्हें बहलाना नहीं पड़े, किसी तरीके से वो अपना समय पास करके अपने गंतव्य स्थल अपनी मातृभूमि में पहुँच जाए। इसके लिए श्याम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। द न्यूज़ टुडे के लिए रामगंज मंडी से बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट।